माया को हराने के लिए हमें अपने पास कुछ ऐसे महावाक्य रखने चाहिए जिससे हम तुरंत विजयी बन जाएं, बिना उससे युद्ध किए, और किसी भी बात का प्रभाव हम पर नहीं पड़ेगा यदि हम कुछ शक्तिशाली महावाक्य अपने पास रखेंगे और उनका चिंतन करेंगे। तो सुनते हैं बाबा के उन शक्तिशाली महावाक्यों को। जैसे मैं इस ड्रामा को साक्षी होकर देखता हूँ, वैसे तुम भी देखो तो बाप समान बन जाएंगे। स्वस्थिति श्रेष्ठ है तो परिस्थितियाँ बदल जाएंगी, वे तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेंगी। तुम सिर्फ मुझे याद करो, तुम्हारे लिए सोचने का काम भी मैं करूँगा। तुम अपनी श्रेष्ठ पोजीशन में रहो तो कोई भी ऑपोजिशन कर नहीं सकता। तुम अपने श्रेष्ठ स्वमान में रहो तो वहाँ हर गुण व शक्ति का नशा सदा इमर्ज रूप में रहेगा। तुम्हारा सोचना, देखना संपूर्ण बनने का आधार है। तुम्हारी दृष्टि से आत्माएं और प्रकृति पावन बनेंगी। ज्ञान सूर्य बाबा से शक्ति लेकर सबको देना, यही मुख्य सेवा है। बाकी सेवाएं तो निमित्त मात्र हैं। स्वभाव में सरल और पुरुषार्थ में अटेंशन रखकर चलो तो नंबर वन में आ जाएंगे। तुम बाप की याद में रहो तो प्रकृति विनाश के समय तुम्हारी समीप आकर भी रुक जाएगी। जब तुम अपने आप को संपूर्ण रीति से जान जाओगे तो संपूर्णता को प्राप्त कर लोगे। तुम अपने को निमित्त समझ कर चलो, जिम्मेवार मैं हूँ। यह स्मृति सब जिम्मेवारियों से हल्का कर देगी। यह सेवाएं तो तुम्हें बिजी रखने के लिए हैं। तुम्हारा लक्ष्य तो स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करना है। याद का बल उन बच्चों को मिलता है जो ऑनेस्ट हैं, सच्चे बाप से सच्चे होकर चलते हैं। ओम शांति।